मैं मोहम्मद सरफराज, मेरे YouTube चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे भारत का परिचय। भारत के परिचय में पहला लेसन होगा भारत की औषधि और विस्तार। आइए हम देखते हैं भारत की औषधि और विस्तार क्या है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। उसके उत्तर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। इसी प्रकार 0 डिग्री देशांतर रेखा भी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसके पूर्व वाले भाग को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम वाले भाग को पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। यदि हम देखें तो भारत 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर में और 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व में स्थित है। इस प्रकार भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध का देश है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा भारत के दक्षिण में स्थित है। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर 1 डिग्री होगा, इसके ऊपर 2 डिग्री, इसके ऊपर 3 डिग्री। इसी प्रकार यह अक्षांश रेखा ऊपर की तरफ बढ़ती जाएगी। एक अक्षांश रेखा ऐसा होगा जो भारत के दक्षिणतम बिंदु को टच करेगा। आइए हम देखते हैं कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु को टच करती है। तो 8 डिग्री 4 मिनट जो अक्षांश रेखा है यह भारत के मुख्य भूमि कन्याकुमारी के पास भारत को टच करती है। लेकिन भारत की मुख्य भूमि के अलावा संपूर्ण भारत को अगर हम देखें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो भारत का एक केंद्र शासित राज्य है जो 8 डिग्री 4 मिनट के 2 डिग्री नीचे स्थित है। यदि इसको हम चित्र में देखें तो लगभग यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो सबसे दक्षिणतम द्वीप है वह भारत की मुख्य भूमि से 2 डिग्री नीचे, अर्थात जो भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट से है उसके नीचे। यहाँ पे कई द्वीप हैं जो सबसे दक्षिणतम द्वीप है वहां पे जो अक्षांश रेखा टच करती है वह 6 डिग्री 6 मिनट है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट, भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से उत्तर में स्थित है। अब यह अक्षांश रेखा ऊपर की तरफ बढ़ती जाएगी और एक स्थिति ऐसी आएगी यह भारत के सबसे शीर्ष पहुंच जाएगी जो जम्मू कश्मीर में टच करती है। तो भारत में सबसे उत्तर में जो अक्षांश रेखा टच करती है वह है 37 डिग्री 6 मिनट। इस प्रकार हम कहें तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। अब हम इसी में देख लेते हैं भारत का देशांतरी विस्तार क्या है। तो हमने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि यह 0 डिग्री प्रधान मध्यान रेखा है, इसे ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जाना जाता है। यह जब आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे 0 है, आगे 1 होगा, 2 होगा, 3, 4, इसी प्रकार यह देशांतर रेखा आगे बढ़ते जाएगा। एक स्थिति ऐसी आएगी कि यह रेखा भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु को टच करेगा जो कि गुजरात राज्य में टच करता है। तो यह बिंदु इसे हम मिटा रहे हैं, आगे देखिए, तो यह बिंदु यहां पे टच करता है। इसी प्रकार यह देशांतर रेखा आगे की तरफ बढ़ती जाती है, ऐसे आगे बढ़ेगी। फिर एक स्थिति ऐसी आएगी यह देशांतर रेखा भारत के सबसे पूर्व में टच करेगी। तो जो बिंदु भारत के सबसे पश्चिम में टच करती है उसका मान है 68 डिग्री 7 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर रेखा 68 डिग्री 7 मिनट देशांतरी रेखा भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु को टच करती है। इसी प्रकार सबसे पूर्वी बिंदु है जो है 97 डिग्री 25 मिनट। इस प्रकार हम कह सकते हैं भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे चित्र बहुत छोटा है, चलिए मैं आपको बड़े चित्र में बताता हूँ, उसमें आपको और अच्छे समझ में आएगा। इस अध्याय को लोग समझते हैं बहुत सरल है लेकिन प्रायः यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए हम देखते हैं बड़े चित्र पे कि भारत का अक्षांशी और देशांतरी विस्तार क्या है। इसे समझने के लिए हम भारत का एक चित्र बनाएंगे, उसे समझेंगे। अगर हम बिना चित्र के कोई चीज समझे तो उसे समझने में आसानी नहीं होती, अगर चित्र के माध्यम से समझा जाए उसे समझने में आसानी होती है। अब यह चैप्टर भारत का अक्षांशी और देशांतरी विस्तार समझेंगे। अगर आप किसी भी क्षेत्र को बताना चाहते हैं और आप भारत उसके उसे देशांतरी और अक्षांशी विस्तार के माध्यम से बताएंगे तो उसे समझना बहुत सरल होता है। तो यह देखिए भारत का नक्शा, यहाँ पे ये सिक्किम हो गया आपका, आगे यहाँ पे भूटान, फिर आगे बढ़ेंगे ये आपका हो गया अरुणाचल प्रदेश, फिर यहाँ से जाएंगे हम ऊपर मुड़ेंगे, यहाँ आपका हो गया बांग्लादेश,
फिर ये आपका त्रिपुरा हो गया, ये मिजोरम हो गया, फिर ये जाके सुन टच हो जाएगा, ये नक्शा है भारत का। अब इसे देखेंगे, मान लीजिए यहाँ यहाँ पे दिख रहा है, हाँ ये मान लीजिए 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, यह रेखा जब ऊपर बढ़ेगी तो यहां पे बढ़ेगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर जो रेखा भारत के मुख्य भूमि को टच करेगी कन्याकुमारी में, तमिलनाडु के कन्याकुमारी में जो रेखा टच करती है वह है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। लेकिन यहां पे एक द्वीप समूह है, भारत का द्वीप समूह है जिसे हम जानते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसे मरकट द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि मरकट द्वीप के नाम से किस द्वीप को जाना जाता है, तो यहां पे एक रेखा और एक अक्षांश रेखा टच करती है जो है 6 डिग्री 4 मिनट, अर्थात संपूर्ण भारत में देखा जाए तो जो अक्षांशी विस्तार होगा वह 6 डिग्री 4 मिनट से शुरू होगा और यह ऊपर बढ़ता जाएगा, जैसे यहाँ पे 6 डिग्री है ऊपर बढ़ेगा 10 डिग्री, फिर इसके ऊपर 15 डिग्री, ऐसे बढ़ते बढ़ते ऊपर जाएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा 30 डिग्री। इसी प्रकार एक स्थान ऐसा आएगा कि जब वह भारत के शीर्ष पे अर्थात यहाँ पे जब यहाँ पे टच करेगी तो सबसे उत्तर में हो जाएगा। यह जो क्षेत्र है इस पे जो अक्षांश रेखा टच करती है उसका मान है 37 डिग्री 6 मिनट। इस प्रकार हम कह सकते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। ये हो गया आपका भारत का अक्षांशीय विस्तार। इसके बाद हम देखते हैं भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है। तो हमने आपको बताया था कि 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच या प्रधान मध्यान रेखा के नाम से जाना जाता है। यह रेखा जब पूर्व में बढ़ेगा तो 0 के बाद 1, 2, 3, 4 ऐसे आगे बढ़ेगा, एक देशांतर रेखा जो भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु को टच करेगा यहाँ पे गुजरात में, इसका जो देशांतरीय मान है वह है 68 डिग्री 7 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर रेखा भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु को टच करेगा, फिर ये आगे बढ़ेगा, फिर भारत का मानक समय यहां गुजरता है, इसे वो है 82 डिग्री 82.5 डिग्री। अगर इसे हम मिनट में लिखेंगे तो 82 डिग्री 30 मिनट या 82.5 डिग्री कह सकते हैं। फिर ये आगे बढ़ेगा और भारत सबसे पूर्वी बिंदु में टच करेगा जहां पे ये हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट। इस प्रकार भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। अब हम आपको आप नोट्स बना रहे होंगे उसमें लिखिएगा भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। वीडियो आपका भारत के अक्षांशीय विस्तार से हो गया। इसके बाद जस्ट इसके बाद अगला वीडियो होगा भारत का क्षेत्रफल, भारत का मानक समय, भारत में कर्क रेखा, भारत के पड़ोसी देश। अब और उसमें एक संबंधित और होगा भारत के पूर्वी उत्तरी दक्षिणी बिंदु। अब आपसे मैं कुछ प्रश्न करता हूं उसका आंसर आप जरूर देंगे। भारत में कुल कितने देशांतर लाइन पड़ते हैं, यहां पे लिखा हुआ है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, तो बीच में बहुत सारे देशांतर रेखाएं होंगी, तो आप ये निकाल के बताइएगा कि भारत में कुल कितनी देशांतर रेखाएं हैं और दो देशांतर के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए कि दो देशांतरों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे किस नाम से जाना जाता है। हम जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।